नमस्कार, आइए। 45 वर्षीय युवक की ये कुंडली हमारे सामने, सिंह लगन की ये कुंडली है और जन्म की राशि भी सिंह ही है। सिंह लगन, सिंह राशि, रॉयल साइन का लगन, यानी व्यक्ति के स्वभाव में राजसिक गुण हैं। जब राशि का स्वामी भी सूर्य हो, लगन का स्वामी भी सूर्य हो और राजसिक गुणों वाला हो, तो व्यक्ति जीवन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखता है कि उसका जो जीवन है वो एक स्टैंडर्ड पर मेंटेन रहे। यानी मैंने ऐसे लोगों को जीवन में छोटा काम करते हुए कम देखा है, एक अच्छे स्तर पर काम करते हुए ज़्यादा देखा है। लगन में बैठा है मंगल और चंद्रमा। चंद्र मंगल योग शास्त्र में महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। ये योग पैसे के हिसाब से अच्छा है, लेकिन जब चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव होता है तो ये व्यक्ति के स्वभाव में जिद बन दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा है चंचलता और मंगल है अग्रेसिव प्लेनेट, तो ये आपको स्वभाव में क्रोध भी दे सकता है। और राजसिक लगन हो, राजसिक राशि हो, तो स्वभाव में थोड़ा सा एटीट्यूड आना एक स्वाभाविक गुण हो जाता है। ये व्यक्ति विशेष की नहीं, उसको बाई बर्थ ऐसी चीज़ मिली हुई है। लगन का मालिक सूर्य 12वें घर में, इसको कहते हैं गुणों का अतिव्यय। व्यक्ति अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए अपने जीवन में पैसा खर्च कर देता है। कभी-कभी ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने स्थिति को मेंटेन करने के लिए, चाहे उनको कर्ज भी लेना पड़ जाए या अपनी शान और शौकत को बरकरार रखने के लिए, वो पैसा भी खर्च करते हैं, लोगों को देते भी हैं। कभी-कभी उनका पैसा लौट कर भी नहीं आता है। इसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए भी कह सकते हैं कि व्यक्ति कभी फिजूल की एक्टिविटी कर लेता है अपने जीवन में, या फिजूल का शारीरिक श्रम कर देता है लोगों के लिए, जो कि उसका अर्थ कुछ होता नहीं है। लग्नेश जब जब 12वें घर में होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है, क्योंकि लगन है शरीर और 12वां घर है खर्च। मैंने अपने शरीर को खर्च कर दिया, बिना बात की ही खर्च कर दिया। तो लगन में चंद्र मंगल योग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन लग्नेश 12वें घर में पहुंचा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। मंगल यहाँ योग कारक है, यानी मंगल चौथे घर को वापस भी देखता है। चौथे घर को कोई ग्रह अपनी ही राशि का वापस देखे, जमीन जायदाद वाहन के लिए अच्छा होता है। भाग्य स्थान का मालिक लगन में बैठा है, इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं भाग्यशाली है व्यक्ति, उसको जीवन में अपने भाग्य का सुख मिलेगा। शुक्र और बुध बहुत सुंदर राजयोग इस कुंडली में बना रहे हैं, दशमेश, एकादशेश, द्वितीयेश, ये सब 11वें घर में बहुत सुंदर राजयोग देते हैं। यानी जीवन में बुध और शुक्र की दशाएं आएंगी तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, साथ ही साथ अंतर दशाएं आएंगी तो थोड़ा कम लाभ मिलेगा, क्योंकि महादशा का फल ज़्यादा होता है। शनि इस कुंडली के अंदर सप्तमेश हैं, तो सप्तमेश को देखें तो द्वितीयेश, ये दशमेश, शुक्र और शनि यहाँ कहने को तो राजयोग में लिप्त है, लेकिन ये षष्ठेश भी है, ये आपके चंद्रमा और लगन दोनों से षष्ठेश है, और ये शनि आपको लगन पर दृष्टि भी दे रहा है। यानी जीवन में शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़ेसाती, ये जब जब आपके जीवन में आएंगी तब तब आपको थोड़ा परेशानी देंगी, आपके शत्रु पक्ष को उजागर कर सकती हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा सकती हैं और आपको बीमारी भी दे सकती हैं। बृहस्पति अपने आप में बेहतर है। बृहस्पति त्रिकोण का मालिक होके केंद्र में है, अच्छे राजयोग में लिप्त है, मंगल से दृष्ट है, वक्री है, चेष्टा बली है, ऐसा प्लेनेट को अच्छा प्लेनेट कहा जाता है। शनि की राशि में बैठा है और शनि एकादश में है, यानी जीवन में बृहस्पति की दशा भी बेहतर ही होगी। अब बात करेंगे आपकी कुंडली के दशाओं के बारे में, कि दशाएं क्या कह रही हैं। इससे पहले आपने मंगल की महादशा पूरी भोगी, 2018 से पहले 7 साल की मंगल की दशा। मंगल महालक्ष्मी योग में यहाँ बैठा हुआ है और मंगल नवांश में भी अपनी राशि में है, और दशमांश कुंडली में मंगल को देखें तो धन भाव का मालिक होके 12वें घर में पहुंचा। अब ग्रह दशमांश में अगर 12वें घर में पहुंचे तो कभी कभी ये स्थिति ये दिखाती है कि क्रोध में आके या जल्दबाजी में आके आप अपना नुकसान कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो मंगल की दशा आपके लिए अच्छी रही होगी। साथ ही साथ मंगल द्वादश भाव में है, द्वादश घर, घर से दूरी, स्थान परिवर्तन, यात्राएं, विदेश यात्राओं के लिए जाना जाता है। राहु की महादशा आपको चल चुकी है। राहु जनवरी 18 से शुरू हुए हैं, सितंबर 20 तक राहु में राहु चलेगा, राहु फोर्थ हाउस में।
चौथे घर का मालिक मंगल की राशि में राहु और मंगल से ग्रस्त। जब एक भाव के अंदर राहु बैठता है तो राहु स्वभाव से तो अशुभ ही है, और मंगल को देखें तो मंगल भी स्वभाव से उग्र है। वो मंगल यहाँ देखता राहु की दशा में व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का योग है और उनसे लाभ भी है। साथ ही साथ चौथे घर में अशुभ ग्रह और मंगल भी अशुभ ग्रह होकर देख रहा है, और किसी शुभ ग्रह का यहाँ आस्पेक्ट नहीं है। इसका मतलब है ये थोड़ा परिवार के अंदर तनाव का माहौल प्रकट करने में सक्षम है। राहु पर ही ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, और राहु का इन्वॉल्वमेंट देखें तो राहु का इन्वॉल्वमेंट कर्म से है, यानी राहु की दशा में कर्म होगा। फोर्थ हाउस के भी रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य के भी रिजल्ट मिलेंगे और मंगल के भी रिजल्ट मिलेंगे। नवांश कुंडली में देखें राहु फिर से, यहाँ देखिए यहाँ भाग्य स्थान का मालिक मंगल इसको देख रहा है, यहाँ ये स्वयं भाग्य स्थान में बैठे हैं। साथ में बैठा है लग्नेश और चतुर्थेश बुध, राहु शनि की राशि में है और शनि बैठे हैं दशम भाव में। इसका मतलब है राहु की दशा में नवांश कुंडली में भी जाके देखें तो ग्रहों का बल बढ़ गया है। तो राहु की दशा एक खराब दशा के इंडिकेशंस में अब नहीं आई है, राहु की दशा बड़ी अच्छी दशा आपको जाएगी। प्रोफेशन कर्मांश कुंडली में देखें राहु सिक्स्थ हाउस, छठा घर कंपटीशन का घर कहलाता है। छठे घर प्रोफेशन के लिए, ये कर्म कुंडली है, ये कर्म का छठा घर है, आपके प्रोफेशन की जद्दोजहद छठे घर में देखी जाती है। सिक्स्थ हाउस में राहु बैठता है तो आपको लड़ने की क्षमता देता है, लेकिन प्रोफेशनली आपको जद्दोजहद होंगी, आसान नहीं होगा इस दौरान पैसा कमाना। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति लग्न में है और साथ ही साथ बृहस्पति तृतीयेश भी हैं, इसलिए राहु की दशा में यात्राएं भी लगातार रहेंगी क्योंकि राहु 12वें घर से संबंध बनाता है। यहाँ भी राहु देखें तो दृष्टि संबंध से नवम भाव से संबंध बनाता है, और यहाँ तीसरे से, यानी राहु की दशा में ट्रैवलिंग्स खूब होंगी, यात्राएं होंगी, दूर की यात्राएं होंगी। संबंध व्यक्ति अपने जीवन इस राहु की दशा काल में विदेश से संबंध साध कर फायदा लेगा। जितना बेहतर मुझको राहु आपका लग्न कुंडली में नवांश में दिखाई दिया उतना अच्छा राहु मुझको दशमांश में नहीं दिखा, क्योंकि राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति लग्न में है। तुला लग्न के लिए बृहस्पति दो खराब स्थान का मालिक है। अब ऐसे ग्रह की दशा चले जो आपको स्वामित्व के तौर पर अच्छा ना हो तो क्या कहेगा? एक तो होती है अच्छी दशा, अच्छी दशा में सब काम बढ़िया होते हैं, एक होती है खराब दशा में अच्छे फल, अधिक मेहनत करा के फल देगा। तो यात्राएं बहुत होंगी, ट्रैवलिंग्स होंगी, जद्दोजहद व्यक्ति के जीवन में लगी रहेगी, काफ़ी उठा पटक व्यक्ति को इस दशा में सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभी सितंबर 20 से आपको राहु में बृहस्पति ही आ जाएगी और बृहस्पति की ही राशि में राहु है, लेकिन दशमांश में बृहस्पति लगन में है, राहु छठे घर में है। ये 6-8 एक्सेस की दशा है। जब 6-8 एक्सेस की दशा चले तो छठा घर कर्ज के लिए या पैसे की प्रॉब्लम देने वाला है, और आठवां किसी प्रकार की बड़ी परेशानी को भी इंडिकेशन करता है। तो राहु बृहस्पति जो कि सितंबर 20 से फरवरी 23 तक आपको चलने वाली है, इस दौरान थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखिएगा, बड़े स्तर पे पैसा लगाने से पहले थोड़ा सावधान रहिएगा, नहीं तो आपको उसका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाकी औसत तौर पे काम करते रहेंगे, ईश्वर कृपा से आपको अच्छा चलता रहेगा। आप देखिए फरवरी 23 से दिसंबर 25 तक आपको शनि की अंतर्दशा आएगी। शनि रोगेश हैं लग्न से और चंद्रमा से, यानी शनि की दशा में रोग परेशान करेगा, बीमारी परेशान करेगी। प्रोफेशनली देखें तो राजयोग में लिप्त है, शनि की दशा में फायदा। यहाँ भी देखें तो शनि योग कारक हो के धन स्थान में, प्रोफेशनली फिर फायदा। नवांश में देखें तो शनि कर्म भाव में, यानी राहु शनि की दशा भी आपके लिए बढ़िया जाएगी। दशाएं आपको सारी ही बेहतर हैं, आगे दशाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राहु बृहस्पति सितंबर 20 से फरवरी 23 ये कहता है कि देखिए जल्दबाजी से बचिएगा, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ जाएगा, आर्थिक तंगी या आपका कहीं पैसा फंसने की स्थितियाँ रहेंगी। तो बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स राहु की दशा में नहीं दिखाई दे रही है। कुंडली के अंदर जितने भी राजयोग हों, चाहे धन योग हों, कुछ भी हो, अगर आपको उन राजयोग कारक ग्रहों की दशा नहीं मिली तो आप जीवन में उनका भोग नहीं कर पाएंगे। फिर तो बस इतना हो सकता है कि अच्छी दशा मिल गई,
और फादर के मकान में रह रहे हैं, पिताजी के पैसे को खा रहे हैं, लेकिन स्वयं के बल पर अच्छा करने के लिए आपको अच्छी दशाएं चाहिए और ईश्वर ने आपको अच्छी दशाएं प्रदान कर दी हैं। अभी आपके पास बहुत समय, अभी राहु की 18 साल की दशा है, फिर 16 साल बृहस्पति की दशा आएगी, तो ईश्वर कृपा से आपको आगामी समय में दशाएं अच्छी हैं। जब मंगल की राशि में मंगल से प्रभावित राहु हो तो व्यक्ति को नियम से एक ही रेमेडी करनी चाहिए, उसको रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और चाहे तो मूंगा रतन धारण करने से उसको लाभ मिलेगा। शिव पूजा भी व्यक्ति के लिए बहुत बेहतर रहेगी। तो ये रेमेडी है, ये स्टोन है, बाकी हॉरोस्कोप वाइज स्थितियाँ बेहतर लगी। अभी राहु की दशा है, 4th हाउस का राहु है, तो थोड़ा सा मंगल से प्रभावित है। जितना ज़्यादा अपने आप को जल्दबाजी से या क्रोध से बचाएंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।